लेकर के हम राजस्थान की जनता के पास गए थे, हम उस संकेत के संकल्प पत्र को पूरा करने का काम करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपने देखा होगा हमारा पिछला बजट आया, हमने राजस्थान के अंदर हमारी 200 विधानसभा है, हमने किसी भी विधानसभा को अछूता नहीं छोड़ा था। हमने जो आवश्यकता थी, जो हमारे कार्यकर्ता ने कहा था, उस आवश्यकता की पूर्ति करते हुए हमने वहां हर विधानसभा में बजट देने का काम किया, हर विधानसभा में बजट देने का काम किया। आपने देखा होगा 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे राज्य को क्या थी। हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने उनसे आग्रह किया कि राजस्थान में सबसे बड़ी बात जो हमें दिक्कत होती है वो पानी की होती है, तो हमारे पानी की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने देख लिया हमारी ईआरसीपी पर हमारी एमओयू हुआ, डीपीआर बन गई, कुछ दिनों में उसका उद्घाटन भी होने वाला है और एमओई भी होने वाला है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता, हमारा शेखावाटी का इलाका था, माननीय घनश्याम जी भाई साहब बैठे हैं, 40 साल और 50 साल से शेखावाटी यमुना की पानी की मांग कर रहा था। मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा, मैंने कहा किसी ने अगर उस पानी की चिंता की तो सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत ने की थी, कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने नहीं की थी। और कई लोगों ने मेरे से कहा कि आपने विधानसभा में कहा कि कांग्रेस ने कोई पत्र नहीं लिखा, मैंने कहा आज भी कह रहा हूं। कई लोगों ने कहा था उस पारी को कांग्रेस के लोगों ने पत्र लिखा, मैंने कहा वो पत्र मेरे को दिखा दीजिए, आज तक कोई पत्र नहीं दिखाया, और अगर पत्र दिखाते तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी अभी हरियाणा के चुनाव हुए हैं और हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने जो मुद्दा लिया था, क्योंकि हमारी मां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यमुना का पानी देने का हमसे वादा किया और उन्होंने एमओयू किया हमारे साथ में, लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा के घोषणा पत्र में क्या लिखा वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस तरह की ये बातें करते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि जो राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना समझौता हुआ है, अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो समझौते को रद्द करेंगे। मैं हरियाणा में कहकर के आया था कि यह तुम्हारा सपना है, जब आओगे तभी तो रद्द करोगे, जब आओगे नहीं तो क्या रद्द करोगे। और मैं कहना चाहता हूं, मैं और से कहना चाहता हूं कि इनके मन का भाव निकल गया कि ये कहना चाहते थे कि अगर हमारी सरकार आई तो हम यमुना समझौते को रद्द करेंगे। मैं शेखावाटी के लोगों से आए हुए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इनके मन में ये तड़पन है कि शेखावाटी के लोग यमुना का पानी नहीं पी लें, यमुना का पानी नहीं पी लें। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इनका देख लिया आपने कि किसी तरह की इन्होंने संवेदना अगर राजस्थान के प्रति दिखाई हो, इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमने पानी की व्यवस्था सबसे पहले की है। और अब मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले अगर मेरी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से बात हुई तो यमुना समझौते की हुई है, हमारा शेखावाटी में पानी आएगा और हमारे शेखावाटी के लोग यमुना का पानी पिएंगे और हमारी जमीन के लिए भी उपयोगी होगा,
हमारा उस सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। मैं और से यह कहना चाहता हूं, जो भी हमारे मन में जो सपना था, जो हमने विचार किया था और राजस्थान को हम आगे ले जाना चाहते हैं, हमने बिजली के क्षेत्र में काम किया, 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू हमने बिजली में किए हैं और अभी लगातार आ रहे हैं। हमने किसान को वादा किया है कि 2027 तक हम दिन में बिजली देंगे, किसान के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराएंगे, उद्योग के लिए बिजली उपलब्ध कराएंगे। आज भी मैं दोहराना चाहता हूं कि हम किसान को 2027 में पूरी बिजली देंगे और दिन में बिजली देंगे, क्योंकि 5 साल में